मजानी सिंह, आर सिंह इमिग्रेशन LLP दिल्ली से, और ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बन रही है जो क्रोशिया जाना चाहते हैं वर्क परमिट पे, जो जेन्युइनली वर्क करना चाहते हैं क्रोशिया में जाके। जैसे कि आप लोग जानते हैं इस साल का मंथ एंड चल रहा है, कुछ ही दो तीन दिन में जो है ये साल भी चली जाएगी और नए रूल रेगुलेशन के साथ क्रोशिया जो है वैकेंसीज लेकर आई है। तो हमारे पास यहाँ पे दो कैटेगरीज की वैकेंसी है। अगर आप CNC ऑपरेटर्स एंड प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हो, या फिर आप बेकरी वर्कर हो, या फिर आप फ्रेशर भी हो, तो हम आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आप अपनी फाइल को जनरेट कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और अगर एक्सपीरियंस हो तो कैसे आप यहाँ पे, क्योंकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट की सैलरी बहुत ज्यादा होती है, और अगर आप फ्रेशर हो और आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर रहे हो तो कितनी सैलरी रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, जानने के लिए आज ही आर सिंह इमिग्रेशन की टीम को कॉल करें। अगर आप रिफ्यूजल भी लेके बैठे हैं क्रोशिया का, तब भी आप क्रोशिया में अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस को जानने के लिए आज ही हमें कॉल करें। हरे कृष्णा।